विदेशी बाजारों में तेजी के चलते सोयाबीन की कीमतों में एक बार फिर से तेजी का दौर देखने को मिल रहा है। दरअसल क्रूड पाम तेल का वैश्विक बाजार भाव 8 से 10% बढ़ने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हाजिर बाजार में सोया तेल में खरीदारी बढ़ गई है और वर्तमान दामों पर बिकवाल पीछे हटने के कारण बाजार में सोया तेल की सप्लाई मांग की तुलना में कम है, जिसके चलते दामों में धीरे धीरे गति देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को सोया तेल में 5 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव बढ़कर 1325 से 1330 पाम तेल इंदौर 1022 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। पिछले 6 महीने के दौरान क्रूड पाम तेल के वैश्विक बाजार मूल्य में भारी उतार चढ़ाव देखा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसका भाव 8 से 10% और तेज होने की संभावना है। दरअसल चीन के बाजारों में खरीदारी बढ़ने से खाद्य तेलों को मजबूती मिलती दिखाई दी है। कुछ प्रोसेसर और मिले सितंबर में हुए एक अस्थायी अनुबंध सौदे के खिलाफ इस सप्ताह सबसे बड़े अमेरिकी रेल संघ के श्रमिकों के मतदान के बाद संभावित रेल यातायात को रोकने की तैयारी में है। उधर बीजिंग ने चेतावनी दी है कि वह कोरोना वायरस महामारी को लेकर बुरे दौर का सामना कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे चलकर खाद्य तेल की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।